In Ayurveda, we call it Rajak Pitta. When the fire which is making the skin function, when that gets vitiated, then the people have these kind of issues. So at the body level, you just need to add these two things that will help. And the third thing is that next time, when did you take your bath? See, if there is a physical itch, then my all treatments will work beautifully. But if it is just a distraction of the mind, then what will amla do? Nothing. What will coconut oil massage do? Nothing, right? Mind can play such a game. Such a game. It is unbelievable. Okay, anybody else? Ji mata, puchho. हाँ, सौ तू इस करके जानी है क्योंकि चंगी तरह राती सौंदी नहीं जदों शरीर ते मन विच थकान ज्यादा होंदी है उदों तुहाडी एकाग्रता उन्नी चंगी नहीं बन पाती। इस करके जिथे शरीर विश्राम विच आंदा है ते नींद आ जाती, क्योंकि शायद उस वक्त नींद दी ही जरूरत है। कोई गल नहीं, आ रही नींद, सौ लो। पर थोड़ा सवेर का जोड़ा योग आसन है ना, इनू तुसी ठीक तरीके नल करो। कुछ टाइम बाद जो तुहाडी योग निद्रा दे टाइम दे उपर, फिर तुहानू नींद नहीं आएगी। एक तो आसन बराबर करो, जो शरीर के अंदर थकान होंगी है ना, ता करके ऐसा कम हो जाता है। तो उस बहुत गहरी थकान नू दूर करने वास्ते तुहाडे आस पास जे कोई मिल जाए ते कौड़े तेल दे नाल या तिल दे तेल नाल हफ्ते च कम से कम एक या दो बार सिर तो लेके पैर तलक आयुर्वेदिक मसाज मालिश जड़ी है वो जरूर कराया करो। ये शरीर नू थोड़े बहुत आराम देगी। और दूसरा, आसन रोज करो ते फिर योग निद्रा होएगी, खाली निंद्रा नहीं होएगी जी। और कोई? इट्स वेरी नॉर्मल। सी, बॉडी इज इन टोटली रिलैक्स्ड मोड। व्हेन बॉडी विल बी टोटली रिलैक्स्ड, देन यू विल हैव दिस सेंसेशन एज इफ ऑल द लिम्स हैव बिकम वेरी हैवी, राइट? सो एक्चुअली इट इज हैवीनेस विच हैज कम इन टू द बॉडी। शरीर में बड़ा भारीपन लगेगा। मन ना देखो फिर कैसा बेईमानी करता है। मन कहता है पता नहीं बाद में बाँह हिलनी नहीं है, हैं बाद में पता नहीं आंख खुलनी नहीं है। और कईयों के अंदर तो इतना डर होता है, वो कहते जी हम लेट के योग निद्रा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हम निकल ही गए शरीर से बाहर तो फिर क्या होगा। अजीब आदमी है। और मैं कहती हूं कि एक दिन तो ये जरूर होगा। नहीं होगा क्या? हम कितना भी बच जाएं, शरीर एक दिन तो ऐसा वक्त आएगा कि जब बिल्कुल ठंडा होगा और वापस गर्म नहीं होगा। यस, सी दिस इज व्हाट द होल पॉइंट इज। योग निद्रा सिर्फ आपको विश्राम देने के लिए नहीं है। योग निद्रा सिर्फ आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए नहीं है। ऑल्दो हमने क्लिनिकल ट्रायल कराया और भारत की सबसे बड़ी जो साइंस की इंस्टीट्यूट है ICMR, वहाँ पर ये टेस्ट हुआ। इसकी जो ट्रायल की जो स्टडी हुई वो उनके जो जर्नल है उसमें प्रिंट भी हो चुकी है। और वो ये कि अगर आप योग निद्रा करते हैं तो कन्फर्म आपका हाई ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
यहाँ तलक के शरीर में जैसे इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है, एंजाइटी है वो कम हो जाती है, डिप्रेशन के केसेस में देखा गया वो भी कम हो गए, क्योंकि जो पैनल था उसमें साइकेट्रिस्ट थे, उसमें डॉक्टर्स थे, एमडी डॉक्टर्स मेडिसिन के थे, उसमें जनरल डॉक्टर्स थे और उसमें पैथोलॉजिस्ट थे. सो वी हैड अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ यू नो द स्पेशलिस्ट टू डू दैट. इट वाज डन फॉर सिक्स मंथ्स. सिक्स मंथ दिस वेंट ऑन इन हैदराबाद एंड इट वाज फाउंड एंड दैट वाज व्हाट माय मोटिव वाज. और हमने ये जो रिपोर्ट तैयार इसीलिए कराई ताकि हिंदुस्तान में कम से कम अधिक से अधिक डॉक्टर्स, किसी का बीपी हाई हो तो उसको गोलियां ना लिखे, उसको योग निद्रा करने के लिए कहे ताकि बिना दवाई के उसका बीपी ठीक हो सके. और हो सकता है और ये कन्फर्म है, लेकिन योग निद्रा का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसका अनुभव कर सकें कि आप शरीर नहीं हैं. इस शरीर के पिंजरे में हम रहते हैं, ये शरीर हम नहीं हैं. हजार बार मैं कह लूँ लगता है पता नहीं सही है नहीं है, अच्छा होगा हाँ कि हम शरीर नहीं हैं, पर महसूस नहीं कर पाते. पर जब आप योग निद्रा करते हैं तो बहुत चांसेस इसके बढ़ जाएंगे कि आपको किसी एक दिन एकदम क्लियर दिखेगा कि ये रहा शरीर लेटा हुआ और ये हूं मैं इसको देखता हुआ. और जिस दिन ये आपके अनुभूति हो गई, उस दिन मैं ही आत्मस्वरूप हूं जिसका जन्म नहीं मरण नहीं, ये फिर समझने में देर नहीं लगेगी. मैं ही आनंद स्वरूप सत स्वरूप हूं ये जानने में फिर आपको देर नहीं लगेगी. तो योग निद्रा एक तरीका है जिससे आप अपने आप को शरीर से, मन से, बुद्धि से अलग देख सको. ये योग की एक बहुत गहरी साधना है. कई लोग समझते हैं कि शायद क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि लोग सो नहीं पा रहे, लोगों को नेचुरली नींद नहीं आती है, तो फिर मुझे कहना पड़ता है चलो कोई नहीं तुम योग निद्रा करो, क्योंकि इतना स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस जहाँ हटेगा योग निद्रा करते हुए में नींद ऑटोमेटिकली उनकी अच्छी हो जाएगी, राइट? लेकिन योग निद्रा का असल मकसद तो आपको अशरीरी अनुभव कराना है, दैट यू आर नॉट बॉडी, यू आर इन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज सेपरेट फ्रॉम यू. एंड योग निद्रा गिव्स यू दैट प्रैक्टिकल मेथड टू एक्सपीरियंस दैट. वो कबीर जी का पद है ना, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी. कबीर साहब कहते हैं ये शरीर तेरा नहीं है और इस शरीर को मैं मेरी मत मानो. हमारे महात्मा लोगों ने इस चीज के ऊपर बड़ा जोर दिया कि ये शरीर तो ऐसे है जैसे पिंजरा और पिंजरे के अंदर पक्षी रहता है, ऐसे इस शरीर रूपी पिंजरे में तुम रहते हो, जीव रहता है, और ये शरीर तुम नहीं हो. ये हमारी गलत फहमी है कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर हमारा है. ना ये मैं है ना ये हमारा है. अब देखो शरीर हमारा है नहीं, हो गया शरीर को कैंसर, रोने तुम लग जाते हो, पागल हो गया? रोने की कोई बात नहीं है. जैसे जुकाम हो जाए, जैसे डायरिया हो जाए, जैसे बुखार हो जाए, ऐसे कैंसर हो गए. हर चीज का इलाज है और कुछ कैंसर्स का इलाज तो इतना बढ़िया है, एकदम टारगेटेड होता है, एकदम बढ़िया, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी में पड़ भी सकती है. पर जैसे किसी को सुनने को मिल जाए ना उसे कैंसर हो गया, उसको कुछ जानलेवा कोई तकलीफ हो गई, लोगों की तो मौत पता नहीं कब आनी, वो पहले ही मर जाते हैं सोच सोच के, चिंता से, दुख से, कि हाय मुझे क्या हो गया. और साहेब कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, तेरा शरीर तो तेरा है ही नहीं,
ये तो ईश्वर का दिया हुआ खिलौना है, खेल लो, मेला है दुनिया का, मजे कर लो. इट्स लाइक गोइंग इन अ फेयर. यू गो टू अ फेयर टू हैव फन, एंड वंस यू आर बोर्ड यू गेट आउट ऑफ दैट फेयर. तो इस दुनिया के मेले में, फेयर में, जब तक जी लगे लगा लो. अच्छा, तुम जाना चाहो ना जाना चाहो, तुम्हारा एग्जिट पॉइंट आ जाना है, ओके, आउट. एंड देन यू विल नॉट बी इवन आस्क्ड, यू विल बी किक्ड आउट. पूछता थोड़ी है फिर समय कि क्यों भाई साहब, मरने की तैयारी है, कर दे सीट बुक आपकी. मौत तो ऐसा पूछती भी नहीं, बस उठा के बाहर पटक देती, चलो. पर मजा इस बात का होना चाहिए कि मौत के आने से पहले तुम खुद ही इस शरीर से अपने मैंपन को अलग कर लो. तो फिर मौत जब आवे आवे, नो प्रॉब्लम. हमने इसमें अपनी मैं फंसाई कब, जो हम रोएंगे बैठ करके. श्रवण करें, कबीर जी का बड़ा प्यारा पद है. काम नया वे
माया नहीं तेरी नहीं तेरी काया नहीं तेरी नहीं तेरी मत कर मेरी मेरी मत कर मत कर मेरी